नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों, जैसा आपको पुरानी वीडियोज में पहले ही अवगत करा दिया था कि दोस्तों 10 सितंबर के बाद से राजस्थान के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन दोस्तों आईएमडी ने इस टाइम राजस्थान के अधिकांश जिलों में जारी कर दी है। इसको लेकर दोस्तों भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों में राजस्थान का मौसम कहां कहां पर किस तरह का रहने का अनुमान है, कौन कौन से जिलों में दोस्तों जोरदार बारिश होने के आसार हैं, कहां कहां पर दोस्तों हल्के से मध्यम बारिश आपको नज़र आएगी, साथ ही दोस्तों इस नए मानसूनी सिस्टम का ट्रैक किस तरह का बना हुआ है और आगामी दिनों में दोस्तों कौन कौन से जिले इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए नजर आएंगे, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। अब दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों में आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह का मौसम देखने को मिला था। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो दोस्तों पंचपाड़ झालावाड़ में 48 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि बीते 24 घंटे की राजस्थान की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। इसके अलावा सिरगढ़ बांसवाड़ा में 30 mm, कोटा हवाई अड्डा पर दोस्तों 27.6 mm, गैलीकोट डूंगरपुर में 27 mm, सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में 27, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 21, लाडपुरा कोटा में 19, गढ़ही बांसवाड़ा में 15, अरनौद प्रतापगढ़ में 10, सल्लोपोट बांसवाड़ा में 5, आर्थुना बांसवाड़ा में 5, धौलपुर में 4, डग झालावाड़ में 4, गोविंदगढ़ अलवर में 2, सीकर तहसील में 1, चिकली डूंगरपुर में 1, बाड़ी धौलपुर में 1। इसके अलावा दोस्तों डीडवाना नागौर में 13 mm, जैसलमेर तहसील में दोस्तों 2 mm, भोपालगढ़ जोधपुर में 2 mm आपको दोस्तों बीते 24 घंटे में देखने को मिली थी। जैसा दोस्तों आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था, सेम कंडीशन दोस्तों अब आपको राजस्थान के मोस्टली जिलों में देखने को मिल रही है और लगातार दोस्तों फिलहाल भारी बारिश का दौर कई अलग अलग स्थानों पर आपको नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में भी दोस्तों कई स्थानों पर आपको भारी बारिश बीते 24 घंटे में देखने को मिली। यहां पर भी दोस्तों दोपहर बाद मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव के कारण कई स्थानों पर भारी बारिश आपको देखने को मिली थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक राजस्थान में किस तरह की मानसून की एक्टिविटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के संपूर्ण जिलों में बारिश का येलो अलर्ट फिलहाल दर्शाए हुए हैं। सभी स्थानों पर फिलहाल भी दोस्तों हल्के से मध्यम बारिश तो दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश का दौर बना हुआ है। दोस्तों पूर्वी राजस्थान के पांचों संभागों सहित पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का येलो अलर्ट आपको देखने को मिल रहा है। सर्वाधिक बारिश दोस्तों उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों कई स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर लगातार कई घंटों तक आपको नजर आएगा और आगामी दिनों में यहाँ पर आपको बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों के आसपास दोस्तों यहां पर आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग में भी यहां पर बारिश का येलो अलर्ट आईएमडी ने दर्शाया है। यहां पर भी दोस्तों कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश का दौर नजर आएगा। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों से कमेंट आए हैं कि सर हमारे यहां पर कब तक भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था, 10 सितंबर के बाद से राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। तो सेम कंडीशन फिलहाल दोस्तों आपको देखने को मिल रही है और कई स्थानों पर भारी बारिश इस टाइम बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और दोस्तों बीकानेर संभाग के कई अलग अलग स्थानों से कॉमेंट प्राप्त हुए हैं कि सर हमारे यहाँ पर भारी बारिश का दौर कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको लगातार कई दिनों तक भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर आपको पश्चिमी राजस्थान में हल्के से मध्यम बारिश तो दोस्तों कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर नजर आएगा।
बीकानेर संभाग की तुलना में दोस्तों फिलहाल जोधपुर संभाग के अधिकांश जिलों में ज़्यादातर स्थानों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बीकानेर संभाग में भी मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। गहरे काले बादलों की एंट्री आपको लगातार देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर दोस्तों इन गहरे काले बादलों से आपको हल्की फुल्की बारिश तो दोस्तों कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी नज़र आएगी। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहां से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं और कौन कौन से जिलों में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 11, 12 और 13 सेप्टेम्बर के मौसम के बारे में। 11 सितंबर को दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शा दिया है। अब दोस्तों आपको पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों कई स्थानों पर अभी भी भारी बारिश का दौर बना हुआ है। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और अजमेर संभाग, इन पांचों संभागों में दोस्तों भारी बारिश का दौर फिलहाल भी कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है और दोस्तों देर रात तक यहां पर भी और अलग अलग स्थानों पर आपको भारी बारिश का दौर नज़र आएगा। साथ ही दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभागों में भी दोस्तों कई अलग अलग स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम तो दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर आपको भारी बारिश का दौर नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर 12 सितंबर के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शा दिया है और भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर जारी कर दी है। दोस्तों राजस्थान के अधिकांश जिलों में अब आपको लगातार तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। यहां पर दोस्तों आगामी दिनों में आपको कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट तो दोस्तों इक्का-दुक्का स्थानों पर आपको रेड अलर्ट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आकाशीय बिजली को लेकर भी भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और कुछ स्थानों पर आपको चक्रवाती हवाओं का हल्का फुल्का दौर नजर आएगा। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभागों सहित बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी आपको भारी बारिश का दौर नजर आएगा। उदयपुर संभाग के कई अलग अलग स्थानों सहित जोधपुर संभाग का भी ये जो गुजरात से सटा हुआ एरिया है इसमें आपको तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 13 सितंबर के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल भी संपूर्ण राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शाया है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर गहरे काले बादलों के सिंबल भी IMD ने जारी कर दिए हैं। राजस्थान से सटे हुए गुजरात में यहाँ पर दोस्तों आपको येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है जिसका असर आगामी दिनों में कुछ इस तरह से राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में नजर आएगा। राजस्थान सहित दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मोस्टली जिलों में आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस भारी बारिश से प्रभावित हुए नजर आएंगे और जो लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारे यहाँ पर इस जिले में कब तक भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों आपको लगातार अब कई दिनों तक तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेगा। आगे नए कोई मानसूनी अपडेट आएंगे तो सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत करा दिया जाएगा।